हेलो दोस्तों, प्रीतिस किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, लंच का टाइम हुआ है और 12 बज गए हैं और मैं ना बनाने जा रही हूँ आज लंच। और लंच में मैं बनाऊंगी आज लौकी का रायता, मतलब घिया का रायता। कुछ लोग लौकी बोलते हैं, कुछ घिया बोलते हैं, हमारे इधर घिया बोला जाता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिया एक छोटा सा घिया। सबसे पहले इसे छीलते हैं और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने घिया को छील लिया है, इसको मैं एक बार धो लेती हूँ। तो धो लिया है घिया को और यहाँ पे मैंने लिया है कुकर, तो कुकर चला देंगे। तो अब हम ना घिया को कट कर लेंगे। सबसे पहले बीच में से दो टुकड़े कर लूंगी इसके। अब इस तरह से कट कर करके छोटे छोटे टुकड़े इस कुकर में डाल देंगे। इसमें दोस्तों क्या होगा ना, आपको घिया को घिसने की झंझट बिल्कुल भी नहीं होगा, झटपट एकदम आपका बहुत ही स्वादिष्ट रायता बनेगा। तो इस डंठल को सेपरेट कर देते हैं, बाकी भी इसी तरह से कट कर लेंगे घिया को। देखिए दोस्तों, यहाँ पे घिया को मैंने कट कर लिया है। अब इसमें मैं कम से कम 1.5 गिलास पानी डाल के 3 से 4 सीटियाँ लगा लूंगी, ताकि जो लौकी है हमारी वो अच्छे से पक सके। तो इसमें पानी डाल देते हैं। एक ही गिलास काफी है। देखिए दोस्तों, दिखाती हूँ मैंने कितना डाला है पानी। तो देखिए, यहाँ पे ना जो हमारी जो लौकी है वो अच्छे से भीग चुकी है पानी में, और मैंने एक ही गिलास डाला है दोस्तों इसमें। अब गैस को ऑन कर देंगे और सीटी लगने देंगे। तो देखिए दोस्तों, जब तक इसमें सीटी आ रही है, और देखिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 किलो वाली दही का पैकेट। अब ये जो दही है मैं इस बर्तन में निकाल लूंगी और इसे अच्छे से फेंट लूंगी पानी डाल के। थोड़ी सी दही मैंने अपनी बेटी के लिए बचा दी है और यहाँ पे मैं डालूंगी 1/2 गिलास करीब पानी। अब इसे अच्छे से फेंट लेंगे जब तक ये मुलायम नहीं हो जाती। तो देखिए, यहाँ पे अभी काफी गाढ़ा है दही, तो मैं और पानी ऐड कर देती हूँ। मैंने 1 गिलास से थोड़ा कम पानी पूरा ऐड कर दिया है। तो इसमें आपको जितना पतला रखना है, जितना गाढ़ा रखना है, अब आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। ये देखिए, इतना गाढ़ा मैंने घोल तैयार किया है। ये देखिए, मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे फेंट लिया है, एकदम मुलायम हो गया है हमारी दही। ये देखिए दोस्तों, अब इसे निकाल लेते हैं। तो इसको मैंने हटा दिया और दही को जो है ढक के रख दिया है। तो देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे लिया है कोयला। इस कोयले को जो है मैं अच्छे से सिलका लूंगी पहले ही, क्योंकि इससे क्या होगा ना दोस्तों, हम एक स्मोकी फ्लेवर देंगे रायते में, बहुत ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगा रायता। तो इसे इस तरह से गर्म होने देते हैं एकदम। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस गैस पे है ना कोयला गर्म हो रहा है ना, इसी गैस पे मैं ना तब तक जीरा भून लेती हूँ। इससे ना समय भी खराब नहीं होगा और जो गैस हमारी लग रही है वो भी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पे ना 1/2 चम्मच करीब मैंने जीरा लिया है हाथ से, इसको एकदम ब्राउन होने तक भून लेंगे।
तो देखिए दोस्तों जीरा छिटकना शुरू हो गया है। तो अब देखिए जीरा मेरा अच्छे से भून चुका है, मैं इसे हटा देती हूँ। अब इसे बारीक पीस लेंगे। तो जीरे को पीस लिया है। अब ये जीरा मैं जो हमने दही को फेंट के रखा था ना, इसी में डाल देते हैं। और अब साथ ही डाल दूंगी यहाँ पे काला नमक। तो दोस्तों यहाँ पे स्वाद अनुसार काला नमक हम ऐड करेंगे। इसमें गुठलियां बन चुकी है तो इस तरह से मैं अच्छे से फोड़ के इसमें डालूंगी और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जीरा और नमक तो हमने मिक्स कर दिया है। मैं सारा सामान एक्स्ट्रा हटा देती हूँ। तो वो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3-4 सीटियां आ चुकी है कुकर में, तो मैं कुकर को खोल लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों अब चेक कर लेते हैं एक बार जो घिया है हमारी अच्छे से पक गई या नहीं। काफी गर्म है, ये देखिए घिया अच्छे से बिल्कुल पक चुकी है दोस्तों। तो मैं इसे इस पानी से एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। देखिए मैंने घिया को निकाल लिया है दोस्तों। अब इसे ना ठंडा होने देते हैं, तो वो जल्दी ठंडा करने के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख देती हूँ, फटाफट ये ठंडी हो जाएगी। तो इसे ठंडा होने देते हैं, तब तक मैं आटा गूंथ लेती हूँ, इससे मेरा भी टाइम बच जाता है दोस्तों। तो आटे को छान लेते हैं। और आज मैं बनाऊंगी रायते के साथ नमक वाली रोटी, तो इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक। पानी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना मेरी जो घिया है वो पहले से ठंडी हो चुकी थी। अब इसको निचोड़ के अच्छे से पानी इसका निचोड़ लेती हूँ। और देखिए यहाँ पे मैंने अपने सिलबट्टे को भी निकाल लिया और धो लिया है। हल्का हल्का सा ना अच्छे से पीस लूंगी, बहुत ज्यादा बारीक नहीं करूंगी, थोड़ा थोड़ा दरदरा ही रखूंगी क्योंकि वो खाने में काफी अच्छा लगता है। और दोस्तों जिस तरीके से मैं रायता बना रही हूँ ना, सच में आप भी बना के देखिए एक बार, बहुत ज्यादा टेस्ट आता है, बहुत ज्यादा अच्छा, एकदम अलग ही स्वाद आता है।
तो देखिए यहाँ पे कोयला मेरा गर्म हो चुका था काफी, मैंने गैस को भी बंद कर दिया दोस्तों। तो देखिए मैंने घिया को पीस लिया है, ये देखिए बहुत ज्यादा बारीक भी नहीं किया, बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं है, मीडियम मुझे मैंने पीसा है इसे। अब इसको जो है ना मैं जो हमने रायते का घोल बनाया था ना पेस्ट दही वाला, इसमें डाल देंगे। और मैंने इसमें ना मिर्ची ऐड नहीं करी है दोस्तों, अभी लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि मैं भव्या के लिए बगैर मिर्ची का निकालूंगी, तो अपनी बेटी के लिए भी थोड़ा सोचना पड़ता है मुझे। अब इसे मिक्स कर लेंगे और देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है रायता। अब लगाएंगे इसमें तड़का, जीरे का और सरसों के तेल का। तो पहले मैं ये सामान हटा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पैन चढ़ाया तड़के के लिए, उसमें मैं डाल दूंगी एक छोटा चम्मच करीब जो है सरसों का तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिए साबुत वाली 3 लाल वाली मिर्ची और साथ ही मैं डाल दूंगी इधर 1 चुटकी करीब हींग और जीरा करीब आधा चम्मच। ये देखिए आधा चम्मच मैंने जीरा ले लिया है। अब इन सभी चीजों का इस तेल में तड़का लगाएंगे। और देखिए दोस्तों कैसे फायर हो रही है, ये देखिए कितना बढ़िया था ना, मजा ही आ गया। तो देखिए काफी गाढ़ा हो गया है, मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ अभी दोस्तों। तो दोस्तों अब इसमें देते हैं स्मोकी फ्लेवर। तो यहाँ पे जो मैंने कोयला सिलकाया था उसको इस हल्की सी छोटी सी कटोरी में डाल लेंगे और इस पे मैं डालूंगी थोड़ा सा आधा चम्मच करीब जो है सरसों का तेल। धीरे से ये देखिए अब इसे ढक देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब थोड़ी देर बाद इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों अब भी कितना स्मोक है और इसे मैं निकाल देती हूँ। और जो फ्लेवर है ना स्मोक का वो बिल्कुल रायते के अंदर दोस्तों जम चुका है, मुझे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और ये देखिए कितना बढ़िया हमारा रायता बनके तैयार हुआ है। तो मैं इसमें से ना सबसे पहले 1 कटोरी भव्या के लिए निकाल देती हूँ बगैर मिर्ची वाला, बाबू के लिए मैंने निकाल दिया है। और देखिए दोस्तों अब मैंने यहाँ पे ना जो हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बनाया था तो यही मैं इसमें ऐड करूंगी। आप चाहे तो इधर लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हरी मिर्ची से दोस्तों टेस्ट काफी अच्छा आता है। और आपको तो पता ही है रायते में मैं हमेशा ज्यादातर जो है हरी मिर्ची का ही वो पेस्ट डालती हूँ, हरी मिर्ची और लहसुन का। तो ये देखिए रायता हमारा बिल्कुल तैयार है। और कैसा लग रहा है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो अब मैं फटाफट रोटियां बना लेती हूँ। तो देखिए अब फटाफट दोस्तों रोटी भी सेक लेते हैं, उसके बाद हम करेंगे लंच रायते के साथ रोटी। तो देखिए दोस्तों आज का हमारा लंच तैयार है, रोटी और घिया का रायता, वो भी बिल्कुल देसी तरीके से हमने आज बनाया है और बहुत ज्यादा टेस्टी लगने वाला है आज तो लंच। तो देखिए दोस्तों हमारी आज की प्लेट तैयार है और कैसी लगी दोस्तों आपको मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं चली लंच करने।